टाइम मैनेजमेंट जो मेरा स्किल जो मैंने सीखा था वो चीज मैंने ही टाइम होता है जब अपने आप को पूरे सारे डायमेंशन में ग्रो करते हो, प्रोफेशनली बिल्डअप करना, जो जो स्कूल जो कॉलेज की सबसे खास बात है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कल्चर बॉक्स। सो आज हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं सेशन विद आशीष। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। आई थिंक आशीष ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट मेरे को करियर लग रहा है आने वाले टाइम में, और बहुत अच्छा कोर्स जैसे आपने बताया मुझे सुन के लगा, बिकॉज इवन इंडिया भी अभी धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, और जैसे कि अभी हमने अपने कॉन्वॉइड 19 के पैंडेमिक डेज में देखा, जो इंडस्ट्री एक्टिव थी वो यही थी फूड इंडस्ट्रीज, और ये एसेंशियल कॉमोडिटी में भी आ रही थी। सो आई थिंक इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है और आपने बहुत वाइजली इसको चूज भी करा। तो आप क्या हमको बताना चाहेंगे कि आपने इसके अलावा अपने कोर्स के अलावा और क्या इंटर्नशिप में सर्टिफिकेशन करी, और क्या आपने ऐसा करा जो आपके अपने खुद के कोर्स में एक वैल्यू एडिशन है, ताकि इवन हमारे भी व्यूअर्स जान पाए, अगर वो भी कहीं ना कहीं इस करियर को कैरी फॉरवर्ड करने का सोच रहे हैं तो वो भी क्या ऐसी इंटर्नशिप और गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं जो आगे चलकर उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। सो रूपाली एमबीटी में मुझे सबसे खास इम्पोर्टेंट बात और अच्छी बात अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई के बाद क्या लगी कि वहां हमारा जो ब्रेक होता था, जैसे बाकी कॉलेज में सेमेस्टर ब्रेक होते थे, यहाँ जो ब्रेक होता था हमारे को ईयर ब्रेक मिलता था 2 महीने का। बहुत सारे अब्रॉड के स्टूडेंट थे तो वो अब्रॉड भी ओवरसीज जाते थे और वीकेंड छुट्टी रहती थी, तो इसी ये टाइम जो था वीकेंड और 2 महीने का ये मैंने सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया। तो मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप रहा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल के साथ, ये ICAR का एक वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। तो ये मुझे वन ऑफ जो क्लासिफाइड हमारी बुक्स आती है वहां से पता चला, और ये 14 डेज का एक सॉर्ट ऑफ कमर्शियल लेवल सेटअप करने के लिए टोफू प्लांट का उसकी पूरा ये स्टडी था और ये सर्टिफिकेट कोर्स था। तो बेसिकली मैं आपको टोफू करा दूं क्या होता है। टोफू एक इज वन ऑफ अ फॉर्म ऑफ पनीर, लेकिन उसका जो सोर्स है वो सोयाबीन से निकलता है। सोया पनीर, आज की डेट में आप कह सकते हो कि सोया पनीर। और उसमें सबसे बेनिफिट वाली बात होती है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट 42.5% रहता है सोयाबीन में, तो उससे को हम प्रोसेस करके टोफू बनाते हैं। तभी जिम में एंड इतना डाइजेशन टोफू पनीर रिकमेंड करते हैं। तो ऐसा हुआ और उसके बाद कोर्स 14 डेज का वाज अमेजिंग, और सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस और मेरे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग चीज क्या थी, वहां जो भी लोग आए थे जो हमारा ग्रुप था उसके अंदर दे वर लाइक मिडिल एज पीपल, मच एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप वाले भी लोग थे और कुछ इंडस्ट्रियल पीपल भी थे, तो उनके अंदर मैं सबसे कम एज का बच्चा था। तो और काफी मुझे एज अ कमर्शियल लेवल पे, हम टेक्निकल की बात कमर्शियल लेवल पे कैसे उसको प्रोडक्शन करते हैं, कैसे वो प्रोसेस करते हैं, बाकी गवर्नमेंट लीगैलिटीज क्या होती है, वो सब चीजें मुझे स्टडी करने के लिए मिला। सो 14 डेज के बाद वन ऑफ अ प्रोफेसर टोल्ड मी कि आशीष आप दिल्ली से हो ना यार, तो आप इसका एडवांस लेवल करो क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वो थोड़ा एक्सटेंसिव प्रोग्राम था, तो देन ही सजेस्टेड मी कि यू गो फॉर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये NSIC इसको बोलते हैं, ओखला में है दिल्ली में। सो ये वन ऑफ अ PSU है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और MSME मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर आता है ये। तो वहां मैंने कोर्स को इंक्वायर किया एंड देन आई एनरोल्ड दिस कोर्स, बट वहां ये 2.5 मंथ का था कोर्स और ये कंप्लीट EDP प्रोग्राम था। EDP इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस कोर्स में हमें कुछ बेसिक्स तो वही था जो 14 डेज का मैं जो CIA का कोर्स करके आया था, तो वो बेसिक्स, और प्लस मुझे एडवांसमेंट लेवल पे एक मैनेजरियल पार्ट भी पढ़ने के लिए मिला, जिसके अंदर हमने बैलेंस शीट बनाई, हमने पूरा बिजनेस प्लान बनाया, जिसके अंदर हमने मार्केटिंग पढ़ी उसकी, जिसके अंदर हमने टोफू जब प्रोसेस करते हैं उसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उसको प्रोसेस करने का, उसको पैकेजिंग करने का कैसे सॉल्यूशन है, मतलब इट वाज लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दैट पुटिंग अप अ प्लांट। और
सबसे खास बात इसके बाद ये रही कि मैंने ये कोर्स करने के बाद एक अपनी, आपको पता होगा कि मैंने एक एंटरप्राइजेस खोली द ग्लाइसिन मैक्स एंटरप्राइजेस के नाम से, और उसको मैंने 2 या 3 महीने सक्सेसफुली रन भी किया और मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट भी कमाया बिकॉज मैं टेक्निकल और वो चीजों को अच्छी तरह जानता था। टेक्निकल आपने भोपाल से सीख लिया और कॉमर्शियल आपने यहाँ पर आया। यस, तो बट एक प्रॉब्लम आया मेरे टाइम की, क्योंकि मेरा कॉलेज भी साथ साथ पैरेलली चल रहा था और मुझे पूरा मार्केट में जाना, कलेक्शंस, बाकी सब चीजें भी देखनी पड़ती थी, तो मुझे कम्प्लीटली टाइम मिल नहीं रहा था डिवोशन करने के लिए बीएफटेक टू टेक्नोलॉजी तक। और मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने पेरेंट्स से थोड़ा डिस्कशन किया, देन सेड कि ठीक है यू कैन डू इट बट अभी तुम्हारा ये हिंडर हो रहा है, तुम्हारा बीएफटेक 2 कर रहे हो तो यू कैन ड्रॉप दिस प्लान। तो मैंने वो चीज नॉलेज पहले लो, हाँ नॉलेज मेरा शुरू से ये फोकस था कि नॉलेज ले लो, यू कैन अर्न अर्निंग तो कभी भी आपके पास आ जाएगी, तो ये ऑब्जेक्टिव पे मैंने उसको पॉजिटिवली क्लोज किया। देन मेरा जो सेकेंड इंटर्नशिप था वो था मेरा ITC मौर्य के साथ। ITC इट्सेल्फ इंडियन टोबैको कंपनी, ITC होटल डिवीजन के अंदर दिल्ली बेस्ड था, धौलकुआ। तो ये टॉप 4 जो जितने भी ये होटल्स हैं दिल्ली में उनमें से आते हैं, और मुझे इसके अंदर प्रोडक्शन में बेकरी एंड कन्फेक्शनरी को सीखने के लिए मिला। बट ये वाला कोर्स कम्प्लीटली प्रोडक्शन ओरिएंटेड कोर्स था, फूड सेक्टर से इतना रिलेटेड नहीं था क्योंकि इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट उतना ज्यादा सीखने के लिए मिला, लेकिन मुझे प्रोडक्शन एस्पेक्ट बहुत ज्यादा सीखने में मिला। बट मुझे उस ये कोर्स करके ये रियलाइज हुआ कि एक डिश या एक आप केक खाते हो जो आपके सामने प्रेजेंट होते हैं और उसके पीछे जो हार्डशिप्स लगती है, जो पूरी रात की मेहनत, आप सुबह सुबह एक केक काटते हो या शाम को एक केक काटते हो, तो उसके पीछे प्रिपरेशन में मेथड और मेहनत, ये दोनों चीज मैंने रियलाइज की और उसको यहाँ मुझे एक प्रोडक्शन में एड ऑन एडवांटेज मिला मेरी वैल्यू मेरे नॉलेज के अंदर बेकरी एंड कन्फेक्शनरी के ऊपर। और मैं ये कह सकता हूँ मेरा एक्सपीरियंस ITC का वन ऑफ द ये कह सकते हो कि आप मुझे नाउ काफी पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट हो रहा था और मुझे लर्निंग के लिए मेरे पास इट इज लाइक अ स्काई टू द लिमिट कि आप बस सीखते जाओ, इतना सारा नॉलेज था। सबसे बड़ा मेरे पास चैलेंज इस कोर्स को करने में ये लगा कि ये कोर्स 3 महीने का था, जिसके अंदर 2 महीने तो मैं यूटिलाइज कर सकता था मेरे जो 2 महीने की छुट्टियां थी साल भर में जो होती थी, बट 1 महीना मुझे वो एक टाइम यूटिलाइज करना था जब मेरा कॉलेज शुरू हो गया। तो जो भी ट्रेनिंग होते हैं प्रोडक्शन में उनको इवनिंग शिफ्ट में रखा जाता है कि वहां लोड भी कम होता है और आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है सीखने के लिए। तो यहाँ जो मेरा कॉलेज था 9 to 5 और यहाँ जो मेरी शिफ्ट चालू होती थी वो 6 बजे से चालू होती है और रात के 3 बजे तक, तो मुझे 5 से 6 बजे के ड्यूरेशन में मेरे को एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से ड्राइव करके धौलकुआ आना पड़ता है। 45 बहुत क्रिस्प टाइमिंग था और चेंज करके मुझे प्रोडक्शन में रिपोर्ट करना पड़ता था। बट मैं कहता हूँ कि मैंने कॉलेज से पहले आप अपने इंटर्नशिप में आते थे, इंटर्नशिप करते थे, फिर दिन घर पर, फिर मैं रात को 3:30-4 बजे के आसपास मैं घर पर आता। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ मुझे एक कम्प्लीटली हार्डशिप और जिसको बताया विग्रेस हार्डशिप करने का एक्सपीरियंस मिला, साथ साथ में मुझे टीम के साथ कैसे काम करना है वो भी चीज मिली मेरे को, वैल्यू एडिशन मिला। क्योंकि अभी तक हम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आप केक बना रहे हो तो आप एक उसमें रॉ मटेरियल डाल रहे हो और उसका स्टडी, एक्चुअली मेरे को लाइव स्टडी और लाइव एक्ट क्या होता है, अगर आपने 2 से 3 ग्राम डाल दी तो उसका रिएक्शन कैसा आएगा, ये चीज मुझे सीखनी हुई। तो It was completely a hand-on experience. उसके बाद मेरा जो second, उसके बाद followed by internship था, वो था मेरा culture ambassador के साथ। It is like a air catering और बहुत premier air catering है। ये T3 Delhi complex में ही है और यहाँ मुझे quality assurance department में as a trainee रखा गया था।
टेक्निकल ट्रेनिंग और मैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, एक होता है क्वालिटी कंट्रोल उसके बाद होता है क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस था और यहाँ मुझे एक्सपोजर मिला इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बोथ, क्योंकि यहाँ जो मेरे को इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट दोनों हैंडल करनी थी, ज्यादा लोड डोमेस्टिक का था फिर क्योंकि मैं एक ट्रेनी था तो मुझे ज्यादा लोड डोमेस्टिक फ्लाइट पे दिया गया था। और अगर मैं लर्निंग की बात करूँ तो यहाँ से मुझे टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, टीम मैनेजमेंट, टाइम बाउंड एक्टिविटीज, क्योंकि एयर कैटरिंग में एवरीथिंग इज अबाउट टाइम और उनका सेट प्रोसीजर्स होते हैं। अगर एक फ्लाइट पे खाना लोड होता है तो देर इज अ गवर्नमेंट डीजीसी का एक रेगुलेशन है, उसके अगेंस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी का रेगुलेशन है, उसमें आपको क्लियर करके आपको लोड करना है और वो चेक करना है। तो इट वॉज वेरी बिग दिस। और इसके अंदर मैं अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये मुझे जाते साथ मुझे जनरल एक रूटीन चेक कर, रूटीन काम करना पड़ा जिसके अंदर क्वालिटी ऑडिट्स था, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस चेक कर रहे थे, कंट्रोल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, प्री रिक्वेस्टेड पॉइंट्स, ये सब चेक कर रहे थे। और जब 5-6 बजे थे उसके बाद मैं अपने मेंटोर के साथ बैठता था, पूरी डिस्कशन करता था 1-to-1 इस केस बेसिस पे हमने क्या किया, इस केस बेसिस पे क्या किया। तो इट वॉज लाइक अ रिग्रेस बट ओवरऑल मुझे बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए मिली, मुझे बहुत सारी मीटिंग्स होल्ड करने के लिए एयरलाइंस के साथ जहां मैं इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक दोनों क्वेरीज हैंडल कर सका और मेरे जो ऑडिट रिमार्क्स है, क्वालिटी रिमार्क्स है, वो वैल्यू एडेड हो रहे थे। तो बेसिकली आपको मतलब वहां पे उसका फूड का जो भी बन रहे थे उनके क्वालिटी चेक करने, yes, yes, और उसको रिपोर्ट में बताना था कि इज इट अप टू द मार्क और नॉट, उनके कुछ पैरामीटर्स पैरामीटर्स होते हैं, वो चीज मुझे करते रहती थी। और साथ साथ में मैं अगर एक और चीज पूछता कि वहाँ एक ऑर्डर FSC 22000 जो भी फूड के डिपार्टमेंट में वहाँ जस्ट इम्प्लीमेंट हो रहा था तो उसके अंदर पूरा स्टैंडर्ड हमें री इवैल्यूएट करके न्यू स्टैंडर्ड सेट करना था, तो वहाँ उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा काउंटर की। उसके बाद मेरा जो लास्ट और मेजर इंटर्नशिप BFTech फूड टेक्नोलॉजी की रही वो रही जुबिलेंट कंज्यूमर के साथ। ये एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स वो कंपनी जिसका आप डोमिनोज खाते हैं। तो ये मैं कहूँगा क्योंकि मेरी ये मेजर इंटर्नशिप थी तो मुझे बहुत फोकस करके इसको चलना था। मेरे को मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मल्टीपल टाइम पे किए क्योंकि जैसे उसमें कुछ मैं बताऊँ बहुत जो कॉमन है वो है 6 सिग्मा इम्प्लीमेंटेशन कुछ, और हमें एक सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट मिला जिसके अंदर एक कॉस्ट मेथड देना था। तो एक प्रोसेस था वो प्रोसेस पूरा एक इंटरनेशनल फॉर्मूले पे चल रहा था और मैंने और हमारी टीम ने मिलके उस प्रोसेस को रीडिफाइन करके एक इंडिजिनियस फॉर्मूले पे बनाया और वी हैव सेव अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ बेसिकली कॉस्टिंग पे काम करना था और कॉस्ट कटिंग ज्यादा ध्यान देना, कॉस्ट कटिंग पे हमने काम किया और वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा, रिमार्केबल इम्पैक्ट रहा। और उसकी उनके उस टाइम जब जुबिलेंट कंज्यूमर ग्रो कर रहा था तो उनके 2-3 डिविजन फ्रेश फूड्स, फ्रेश वाइन गुगौर में ऐसे, तो हमें मुझे उस टाइम मार्केटिंग का भी एक्सपोजर मिला, कुछ मुझे सेल्स यूनिट सप्लाई चेन भी मैंने कुछ प्रोडक्ट पैटर्नली देखी, तो कुछ ऐसा मिक्स टाइप ऑफ मेरा इंटर्नशिप रही। उसके बाद आता हूँ मैं अपनी कुछ मैंने एडिशनल सर्टिफिकेशंस किए जो मुझे रिक्वायर्ड थे अपनी BFTech डिग्री के साथ। तो देयर इज वन ऑफ अ प्रीमियर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, दिस इज बेस्ड इन हरियाणा राइस सोनीपत। तो वहाँ क्या है विद टाइम वहाँ बहुत सारे कोर्सेस अच्छे चलते हैं, तो सबसे बड़ा हमने वहाँ एक कोर्स किया दैट वॉज ऑन कोल्ड चेन डिजाइनिंग एंड कमर्शियल सेटअप्स। ये 14 दिन का प्रोग्राम था, इट इज वॉज अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम, हमें 14 दिन हमें वहीं रहना था और एक निफ्ट स्टूडेंट मतलब वहाँ के स्टूडेंट की लाइफ निफ्टम की एक लाइफ जीनी थी। कैंपस बहुत सुंदर है और वो कम्प्लीटली फूड डेडिकेटेड है तो आपको ज्यादा इनसाइट्स मिलती है उस कोर्स या उस कैंपस के अंदर। 14 डेज में हमने पूरा फ्रॉम ग्राउंड लेवल कि आपका सॉइल कंडीशन कैसा होना चाहिए और वो कमर्शियल वायबिलिटी प्रोडक्ट कि आप कोर्स कोर्सों में रखते हैं तो अगर आप सपोज एप्पल रख रहे हैं तो उसके लिए क्या
टेम्परेचर होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए और उसको आप कमर्शियली कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां तक सब सीखा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, माइंड ब्लोइंग, क्योंकि हम वहाँ रेजिडेंशियल प्रोग्राम में थे तो कुछ हमारे पियर्स, कुछ मेरे क्लास के फ्रेंड्स भी थे जो बीएफएफ को टेक्नोलॉजी एमएससी से, तो हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। हमने टेनिस खेला, स्पोर्ट्स खेला, बैडमिंटन खेला, मतलब पूरा आपने निफ्टन वाला एक कल्चर पूरा एक जिया आपने 40 डेज दिया। उसके बाद वहाँ एक डिहाइड्रेशन कोर्स किया हमने, डिहाइड्रेशन, एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर आप वाटर कंटेंट किसी भी प्रोडक्ट का रिड्यूस कर देते हो ताकि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। एग्जाम्पल यू कैन से कि नाइकी का जो सीजनिंग आती है उसके अंदर ग्रिड्स होते हैं के, तो आप उसको रिड्यूस करते हो ताकि उसका शेल्फ लाइफ बढ़े। ये प्रोसेस था, उस पर हमने पूरा प्रॉपर कोर्स किया कमर्शियल, मतलब इसमें भी सेम फॉर्मेट था, ग्राउंड से कमर्शियल लेवल तक सेट था। उसके बाद हमने एलर्जेंस का कोर्स किया, एलर्जेंस का कोर्स मुझे यहाँ फुलफिल बेनिफिट हुआ जब मैं स्काई शेफ की अपनी जो जस्ट अभी मैंने आपको इंटर्नशिप बताई थी, क्योंकि वहाँ एलर्जेंस बाउंड बहुत सारी चीजें थी कि अगर ये एलर्जेंस है इसका इसमें ग्लूटामेट कंटेंट इतना है तो आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये रेगुलेशन। और अब मैं नेक्स्ट आता हूँ अपने सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन के बारे में जो मैंने एमिटी कॉलेज से किए। एमिटी कॉलेज का टाइप था ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन से, ये जर्मन बेस्ड कंपनी थी और ये बहुत रिनाउंड कंपनी है। तो ये कोर्सेज जब मैंने की जब मेरा वीकडेज होता था, तो वीकडेज में हमारी 6-6 घंटे की क्लासेस चलती थी और कुछ स्पेसिफिक हर कोर्स के अंदर कुछ क्रेडिट थे और कुछ आर्ट्स थे, तो इतने हमारे क्योंकि इंटरनेशनल कोर्स था तो आपको उतने आर्ट्स डेडिकेट करने रेगुलर कोर्स था। आप ना इसमें कुछ बंक कर सकते हो ना कुछ पढ़ता, आपको जाके पूरा पढ़ना है। टाइम टू टाइम असेसमेंट होता था, जो यहाँ इंडस्ट्रियल स्पीकर्स थे वो 25-25-30 साल एक्सपीरियंस, टॉप शॉट्स ऑफ जैसे बोलते हैं इंडस्ट्रीज थे। तो मैंने यार FSMS किया। FSMS इज फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर बेसिकली हम फूड को हम कैसे सेव कर सकते हैं ये हम चीज पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने एक और कोर्स किया जिसका नाम है QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत इम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ में क्वालिटी कैसे कंसिस्टेंट रखनी है वो कोर्स का पूरा स्टडी पैरामीटर था। वी गॉट अ सर्टिफिकेशन लाइसेंस, वी कैन आई कैन ऑल्सो वर्क एज अ इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ दैट लाइसेंस, तो कुछ ऐसा था। वाओ, आई मीन ये बहुत ही अच्छा आपने एग्जांपल बताया अपने लाइफ करियर के बारे में, क्योंकि आपने इतने सारे इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेट्स करे, दैट मींस आपने 100% एफिशिएंसी आपके यूटिलाइज कर ली अपने कोर्स में। यस, आई हैव गिवन 100%। आई थिंक आपने बहुत अच्छे स्किल्स और नॉलेज गेन करा होगा और आपने परफेक्टली टाइम अपना मैनेज करा होगा। और व्यूअर्स, हम भी इससे हम सीख सकते हैं कैसे हम अपने समर और विंटर ब्रेक्स में जहाँ पे हम प्लान करते हैं कि चलो यहाँ घूमते हैं वहाँ घूमते हैं, इससे बेटर हम अपने उस ड्यूरेशन को यूटिलाइज करें अच्छे से इंटर्नशिप और सर्टिफिकेशन के लिए। और ये बहुत ही अच्छा लगा सुन के आशीष।